दोस्तों अभी जो आपके सामने दो इंडक्शन मोटर दिख रही है, ये दोनों मोटरों में से एक मोटर की वाइंडिंग खराब है और एक मोटर की वाइंडिंग सही है। तो दोस्तों मल्टीमीटर के द्वारा दोनों मोटरों की वाइंडिंग आपको बहुत ही इजी तरीके से चेक करके बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको मोटर चेक करने की दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों बने रहेगा लास्ट तक इस वीडियो में। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस मोटर की वाइंडिंग आपको चेक करके बताता हूँ। दोस्तों किसी भी मोटर को चेक करने की तीन स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप होती है बॉडी अर्थ। यदि हमारी मोटर की तीनों कोयलों में से कोई कोयल भी बॉडी से टच होगा तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मोड पे शो हो जाएगी। तो बॉडी अर्थ चेक करने के लिए मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए ये कंटिन्यूटी मोड है, ये देखिए ये कंटिन्यूटी मोड है। तो इस पर कंटिन्यूटी मोड पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब मल्टीमीटर के एक वायर को बॉडी से टच कर दूँगा, ठीक है। तो ये स्क्रू बॉडी से ही टच है। यदि हमारी तीनों कोयलों में से कोई भी कोयल यदि बॉडी से टच होगा तो इस तरीके से बीप की आवाज़ आएगी। देखिए ये देखिए बीप की आवाज़ आएगी या मल्टीमीटर में ये रीडिंग शो होगा। देखिए ये अभी मैं दोनों वायरों को शॉर्ट कर रहा हूँ तो इस तरीके से ये बीप की आवाज़ आ रही है और ये रीडिंग शो हो रही है। देखिए यदि हमारे तीनों कोयलों में से कोई कोयल बॉडी से टच होगा तो इस तरीके से रीडिंग शो होगा, ठीक है। अब मल्टीमीटर के दूसरे वायर से तीनों कोयलों के छह टर्मिनल को चेक करूँगा, ठीक है। दो दो सेकंड इसमें लगा के रखना है इस तरीके से, ठीक है। देखिए दोस्तों इस तरीके से कंटिन्यूटी नहीं आ रहा, मतलब इसका मतलब है कि हमारा तीनों कोयल बॉडी से शॉर्ट नहीं है, ठीक है। दोस्तों इंडक्शन मोटर को चेक करने की दूसरी स्टेप है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी चेक करने के साथ हमारी कोयल एक दूसरे से शॉर्ट तो नहीं है, ये भी चेक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारी इंडक्शन मोटर में तीन कोयल है तो तीनों कोयलों की मैं कंटिन्यूटी आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मल्टीमीटर के एक वायर को किसी भी एक पॉइंट से टच कर देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से टच कर देंगे और दूसरे वायर को मैं एक तीनों जो सामने वाले वायर है उससे चेक करेंगे, ठीक है। ये तीनों वायरों से चेक करूंगा मैं। ये देखिए दोस्तों इससे और इससे कंटिन्यूटी आ रहा, मतलब हमारे तीनों वाइंडिंग में से पहली वाइंडिंग ये है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारी कोयल बीच में से ब्रेक नहीं है, अब इससे चेक करेंगे और ये दोनों से शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारी एक कोयल की कंटिन्यूटी चेक हो गया, ये हमारी एक कोयल हो गई। अब दूसरी कोयल में मैंने मल्टीमीटर का एक वायर लगा दिया और इसको मैं इस तरीके से लगा लगा के देखूंगा, ठीक है। देखिए ये देखिए दोस्तों दूसरी कोयल का एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है दोस्तों। और ये दोनों से शॉर्ट भी नहीं है, देखिए ये दोनों से शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी दूसरी कोयल हो गई, ठीक है। अब मल्टीमीटर के वायर को मैं तीसरे नंबर टर्मिनल में लगाऊंगा, मतलब तीसरी कोयल के एक पॉइंट से टच करके रखूंगा, ठीक। मल्टीमीटर के दूसरे वायर को तीनों से शॉर्ट करके देखूंगा। देखिए ये तीसरी कोयल का फर्स्ट टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, ठीक है। ये देखिए ये दोनों से शॉर्ट भी नहीं है, मतलब हमारी तीनों कोयलों की कंटिन्यूटी बराबर है और बीच में से ब्रेक नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इंडक्शन मोटर को चेक करने की तीसरी स्टेप है रेजिस्टेंस। तो हमारी तीनों कोयलों का रेजिस्टेंस बराबर आना चाहिए, ठीक दोस्तों। तो मैं सबसे पहले ये मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे सेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये 200 ओम लिखा है इस पर सेट कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने इस पर सेट कर दिया दोस्तों। अब मल्टीमीटर के एक वायर को मैं इस तरीके से इस पर लगा दूंगा, ठीक है। ए वाला और एक वाला हमारा एक कोयल है, ठीक है। तो इसका और इसका रेजिस्टेंस चेक करूंगा, ठीक है दोस्तों। हमारी एक कोयल का रेजिस्टेंस आ रहा है 0.5 ओम आ रहा है, ठीक है। ये हमारी एक कोयल हो गई। अब वो दूसरी कोयल ए वाली, ठीक है दोस्तों। ये दूसरी कोयल का पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये दूसरी कोयल का भी रेजिस्टेंस 0.5 ओम आ रहा है, मतलब दोनों कोयलों का रेजिस्टेंस बराबर है। अब तीसरी कोयल का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तीसरी कोयल का फर्स्ट टर्मिनल और ये दूसरा टर्मिनल, ठीक है। ये देखिए दोस्तों इसका रेजिस्टेंस भी 0.5 आ रहा है। दोस्तों इस तरीके से हमने इस इंडक्शन मोटर का रेजिस्टेंस चेक किया, कंटिन्यूटी चेक किया और बॉडी अर्थ चेक किया। ये तीनों सही है, मतलब हमारा मोटर अभी रनिंग के लिए ओके है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा जो खराब वाला मोटर है उसको मल्टीमीटर के द्वारा देखेंगे कि इसका रेजिस्टेंस डिस्टर्ब है या तीनों कोयलों में से कोई कोयल ब्रेक है या एक दूसरे से शॉर्ट है या तीनों कोयलों में से कोई कोयल बॉडी अर्थ है। दोस्तों यदि आप किसी भी मोटर को डाउट क्लियर चेक करना चाहते हो तो जो भी लिंक लगा हुआ है, स्टार लिंक लगा हुआ है या डेल्टा लिंक लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस लिंक को निकाल लें, ठीक है। तो अभी हमारी मोटर में स्टार लिंक लगा हुआ है तो इसको मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये लिंक को निकाल लिया, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम तीनों कोयलों की बॉडी अर्थ चेक करेंगे कि ये तीनों कोयल बॉडी से टच तो नहीं है, ठीक है। मल्टीमीटर को इसमें कंटिन्यूटी मोड पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर का एक वायर को मैं बॉडी से शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये स्क्रू बॉडी से शॉर्ट है इस तरीके से, देखिए दो दो सेकंड लगा के देखना है, ठीक है।
ये देखिए दोस्तों इसका मतलब हमारे तीनों कोइल बॉडी से शॉर्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम चेक करेंगे कि तीनों कोइल एक दूसरे से शॉर्ट तो नहीं है या बीच में से ब्रेक तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे ही रखेंगे और मल्टीमीटर के एक वायर को किसी भी एक पॉइंट से इस तरीके से लगा के रखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं एक पॉइंट से लगा के रखूंगा और ये सामने वाले तीनों पॉइंट से चेक करूंगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये अपना एक कोइल हो गया, मतलब एक कोइल अपना बराबर है, ठीक दोस्तों। ये दूसरी कोइल से शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है। एक कोइल का पहला वाला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये दूसरे पॉइंट में मैं लगाऊंगा। इस तरीके से दूसरे पॉइंट में मल्टीमीटर का एक वायर लगाया और देखिए दोस्तों अब इससे चेक करूंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों दूसरी वाली कोइल है उससे कंटिन्यूटी नहीं आ रहा तीनों पॉइंट में से। देखिए ये तीनों पॉइंट से कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारी जो दूसरी वाली कोइल हो बीच में से ब्रेक हो गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैं तीसरे वाले पॉइंट से चेक करूंगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों इसका मतलब हमारा तीसरा वाला कोइल भी बराबर है, ठीक है। एक नंबर और तीन नंबर कोइल बराबर है और दूसरा वाला कोइल है जो बीच में से ब्रेक है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा जो दो कोइल है बराबर है और एक कोइल बीच में से ब्रेक है, ठीक है दोस्तों। अब हम तीनों कोइलों का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैं 200 ओम लिखा है उस पर सेट कर दूंगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर का एक वायर को मैं इस पर लगा दूंगा एक पॉइंट पे, और ये देखिए दोस्तों ये पहला वाला कोइल है तो इससे चेक करूंगा, ठीक है। ये देखिए 3.5 ओम आ रहा, ठीक है। दूसरी कोइल का चेक करेंगे रेजिस्टेंस, ये देखिए दोस्तों ये दूसरी वाली कोइल का रेजिस्टेंस भी नहीं बता रहा, मतलब बीच में से ब्रेक है तो रेजिस्टेंस भी नहीं बता रहा, ठीक है। अब तीसरी वाली कोइल का चेक करेंगे रेजिस्टेंस, ये देखिए दोस्तों तीसरी वाली कोइल का रेजिस्टेंस भी 3.5 आ रहा, मतलब दो कोइलों का रेजिस्टेंस बराबर आ रहा और एक कोइल का रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, मतलब हमारा जो दूसरा वाला कोइल है वो बीच में से ब्रेक है तो उसका रेजिस्टेंस भी नहीं बता रहा और कंटिन्यूटी भी नहीं बता रहा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी इंडक्शन मोटर को चेक कर सकते हो। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो दे आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करें और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।